महिलाओं को 33% का जो श्रीमती फूलो देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है जो महिलाएं आगे आई हैं आज राजनीति स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और विकास की दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएं आगे आई हुई हैं। आज आपके सामने महिलाओं के हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्यसभा में हमारे परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17% है और उससे गर्व से कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए और आपने समय नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, समय 11 मिनट बचा था, आपको उस हिसाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड्स मोर, महिला हूँ, थोड़ा सा दया कर लीजिए, 30 सेकंड्स मोर, थोड़ा सा दया कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जब देश की बात आई तो हम देश का भी नेतृत्व किया, पाकिस्तान भी लड़ाई की ओर उसके 2 टुकड़े किए, और अगर घर परिवार चलाने की बात आई तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज महंगाई और बेरोजगारी भी लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई में भी चला रहे हैं, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं।
सामने वाले कह रहे थे कि हम सिलेंडर दिए, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे महंगाई के कारण, आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा को फूंक रहे हैं, चूल्हा का धुआं खा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, ये महंगाई के कारण हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सुजीत कुमार, क्योंकि थ्री मिनट्स सर, थैंक यू मैम, there will be no time for your last speaker, okay, no time for last speaker, so see the last speaker, okay, 1 minute man conclude। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूं, लेकिन इस बिल का यहां पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं। श्री सुजीत कुमार।